नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस RRB NTPC टारगेट 2019 में आज हम यहाँ पर पिछले वर्ष के पूरे 10 एग्जाम पेपर में से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेल संबंधी प्रश्न जितने भी इस पेपर में आए हुए थे, चाल दूरी व समय से संबंधित, तो दोस्तों आज के इस मैच के सीरीज के पार्ट वन में आज वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दें कि हम लोग आज से जो है चैप्टर वाइज चलेंगे, तो आज के इस पार्ट वन में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के अब तक के जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन काफी ईजी है इसलिए इसका सेकेंड पार्ट ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों आप लोग तो बेसिक ट्रिकी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से डेली आपको रूटीन से सारी क्लासेस मिलती रहे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। तो हमने सबसे पहला चैप्टर जो कि लिया है टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम लोग एलसीएम और एससीएफ पढ़ेंगे, फिर मेंसुरेशन। तो टोटल 16 चैप्टर मुझे आपके कंप्लीट कराने हैं। तो फिलहाल चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने। अब यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि एक बस एक घंटे में यहाँ पर 12 सहित 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों एक बस जो है ये एक घंटे में सिर्फ 12 सहित 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सहित 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस पर यह क्वेश्चन आपका आधारित है, आपको लगाना है। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ यहाँ पर 10 से 15 सेकंड समय दिया जाता है, लगाइए और बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर आपको देखा कि एक बस जो है वो एक घंटे में आपका 12 सहित 2/5 यानी कि 12×5=62 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करती है तो आपको निकालना इतने घंटे में कितना चलेगी। तो दोस्तों 4×8=9=10=11/4, तो 11/4 घंटे में कितना चलेगी, तो कुछ नहीं, 1 को 11/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 62/5, 4 से इसको कर देंगे डिवाइड दोस्तों, तो हमारा क्या जाएगा 4×1=4। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 से काट देंगे, 2×3=6, 2×1=2, और आपका नीचे आपका 2 बचेगा तो आपका 5×2=10 हो गया, ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका 341। ठीक है, तो आपका ऊपर आ गया 341/10, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 34.1। तो दोस्तों आपको बता दें यह जो बस है ये 2 सहित 3/4 घंटे में 34.1 किलोमीटर चलेगी, दूरी तय करेगी। इसके बाद देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन हम आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के डिस्कस कर रहे हैं जो कि यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो टोटल दोस्तों मैंने 10 सेट आप लोगों के दोस्तों चेक किए हैं, जो भी आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उन 10 सेट से ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर/आवर से, तथा 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है अलग अलग है। अगर डिस्टेंस सेम होती, अगर दोस्तों दूरियाँ समान होती तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते 2x/x+y, लेकिन आप लोग अब इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आप लोग सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों में डिस्टेंस आप लोग को इक्वल दे रखी हो। लेकिन यहाँ पर एक जगह दोस्तों क्या है 8 किलोमीटर की दूरी है और दूसरे स्थान पर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो दोस्तों औसत चाल बराबर, अब हम अगला फॉर्मूला यूज करेंगे, औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे समय। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। ठीक है, अब औसत दूरी कितनी है, दूरी हो गई दोस्तों आपकी 8 किलोमीटर की और ये 4 किलोमीटर, तो औसत दूरी हो गई हमारी 8 और 4=12। अब समय निकालना है, औसत समय, समय दोस्तों कैसे निकालेंगे, समय बराबर था दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी 8 किलोमीटर, चाल है 15 किलोमीटर/घंटा, तो लिखेंगे दोस्तों हमारे 8/15, ये आ गया दोस्तों इसकी दूरी। ठीक है ना, और अगला समय निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर दूरी है और 20 किलोमीटर/घंटा स्पीड है, तो समय निकालेंगे क्या करेंगे, दूरी बटे दोस्तों आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 4 है, चाल आपकी 20 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोस्तों ऊपर आपका 12 आ गया, नीचे 15 और 20 दे रखा है। ठीक है ना, ये और काट देंगे, 4×1=4, 4×5=20, 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे फाइनली, तो पूरे के अपॉन है दोस्तों यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 5×3=15, 1×3=3, तो 8+3 आपका आ जाएगा, ऊपर आपका 12 दे रखा है। अब 12×15 नीचे आ जाएगा 11। ठीक है, कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे
तो 12 × 15 और अपॉन में आपका आ जाएगा 11, फिर 12 × 5 = 60, 6 = 80 लगा, 12 × 12 = 18, 180/11। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो है यहाँ से आंसर आने वाला है यहाँ से 16.36, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी औसत चाल होगी। तो कभी भी अगर यहाँ पर औसत चाल दिया जाएगा, अगर आप लोग के एग्जाम में औसत चाल पूछी जाएगी और आपको यदि दूरियाँ समान नहीं दे रखी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। वही फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से लगा लेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब एक रेलगाड़ी है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई आपको 400 मीटर दे रखी हो तो दोस्तों एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर होता है, दोस्तों फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई अपॉन स्पीड, ठीक है। तो समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आप लोग का ये आंसर निकल आएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहां पर आपको ट्रेन की चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल जो है ये किलोमीटर और घंटे में दे रखी है और लंबाई जो है वो आपको मीटर में दी गई है। तो सबसे पहले चाल को क्या करेंगे आप लोग, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो दोस्तों ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चाल हमारी आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए समय बराबर होता है, मैंने आपको बताया ट्रेन की लंबाई जो कि हमारी 400 मीटर और अब हमारी चाल आ गई है 80 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18, 18 आपका ऊपर आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 5 से 5 कट गया और डायरेक्ट आपका आंसर कितना आने वाला है, आ जाएगा 18 सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार जो है यहाँ पर उस खंभे को पार करने में ट्रेन को लगा समय कितना है, ट्रेन को समय लगेगा यहाँ पर 18 सेकेंड का। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने 46। अब आपको यहाँ पर यह बताना है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी आओ तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी जाए या फिर पुल की लंबाई पूछी जाए तो फॉर्मूला आपका होता है, देखिए चाल बराबर होता है आपका यहाँ पर, देखिए लिखेंगे वी बराबर टी प्लस एल अपॉन में टाइम। ये देखिए कैपिटल टी क्या है, ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई, और ये एल क्या है, ये होगा आपकी पुल की लंबाई, और ये नीचे अपॉन में समय दे रखा और ये बी फॉर चाल है। तो आइए लगाते हैं, आपको दे रखा 90 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई नहीं पता, तो 90 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, पुल की लंबाई मान ली एल है, समय लगता है दोस्तों 15 सेकंड का और ट्रेन की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। यहां से अब इस फॉर्मूले का यूज करके आपको यहां से एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे दोस्तों आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहां पर मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा यहां पर 225, ठीक है, माइनस का 90 बराबर आपका जो है एल आ जाएगा, और जब आप लोग इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है, 12 में से 9 जाएगा आपका बचेगा यहाँ से 3 और 1, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 135 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार पुल की जो लंबाई है यह है 135 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुल की जो लंबाई है ये आपकी 135 मीटर होगी। क्लियर होगी इतनी बात। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है। अब यहाँ पर आदमी की जो यहाँ पर चाल दे रखी है, ये चाल है इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइमिंग दे रखी है इसकी 3 आवर की। अब समान दूरी पर दोस्तों उसी डिस्टेंस पर वापस जो है जब वो वापस आ रहा होता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर वापस आता है, मतलब जाता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दोस्तों आपको बता दें वापस जो आता है वो आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। तो दोस्तों दूरी बराबर आपका क्या होता है यहाँ पर, चाल इंटू समय, तो डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा चाल इंटू समय यानी कि वी इंटू टी। तो यहाँ पर आपको चाल दे रखी है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगता है 3 घंटे का। तो दोस्तों उसने 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की है, 12 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 12 किलोमीटर आपका आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है।
तो दोस्तों उस आदमी ने 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब उसी दूरी पर यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी को वो दौड़कर वापस आ रहा है। किस स्पीड से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़कर वापस आ रहा है। समय निकालना है तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों? 12 है अभी मैंने निकाला था और स्पीड हमारी अब की बार 16 है। तो 4 × 3 = 12, 4 × 16 तो समय कितना लग रहा है? 3/4 घंटे का। लेकिन हमारा आंसर किसमें आ रहा है? मिनट में आ रहा है। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। और अब आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, सीधा यहाँ बजेगा 4 × 4 = 20, 15 × 3 = 45 मिनट समय लगेगा। तो दोस्तों उस व्यक्ति के द्वारा, उस आदमी के द्वारा दौड़ने में जो समय लिया गया है ये 45 मिनट लिया गया है। ठीक है, तो जो एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटे तक चलता है और उसी दूरी पर 16 किलोमीटर, दोस्तों उसी डिस्टेंस पर 16 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, तो इस प्रकार उसके द्वारा लिया गया समय 45 मिनट होगा। इसके बाद देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया, एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 160 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपको ट्रेन की चाल मालूम है और ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 180 मीटर। आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई अपॉन दोस्तों ट्रेन द्वारा चली गई जो आप लोग की स्पीड होती है वो। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 180 मीटर लेकिन स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर को आप लोग इसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार खंबे को पार करने में लगा समय आपका क्या आ जाएगा? देखिए लंबाई हमारी ट्रेन की है 180 और समय लग रहा है यहाँ पर चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 5/18 से हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 0 से हमारा 0 ये कैंसिल हो गया, फिर इसको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, देखिए 2 × 9 = 18 और सीधे यहाँ पर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ऊपर आप लोग का बचेगा 81 और अपॉन में आ जाएगा 4 × 5 = 20, तो 81/20 बचेगा। इसके बाद आगे से जैसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का देखिए 2 से मैं जैसे सॉल्व करूँगा तो हमारा जाएगा 40.5/10, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 4.05 सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार रेलगाड़ी को खंबे को पार करने में लगा समय जो है ये 4.05 सेकेंड का समय लगेगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आप लोग के इस एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो इसके अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया, एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 160 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपको ट्रेन की चाल मालूम है और ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 180 मीटर। आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई अपॉन दोस्तों ट्रेन द्वारा चली गई जो आप लोग की स्पीड होती है वो। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 180 मीटर लेकिन स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर को आप लोग इसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार खंबे को पार करने में लगा समय आपका क्या आ जाएगा, देखिए लंबाई हमारी ट्रेन की है 180 और समय लग रहा है यहाँ पर चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 5/18 से हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 0 से हमारा 0 ये कैंसिल हो गया, फिर इसको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, देखिए 2 × 9 = 18 और सीधे यहाँ पर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ऊपर आप लोग का बचेगा 81 और अपॉन में आ जाएगा 4 × 5 = 20, तो 81/20 बचेगा। इसके बाद आगे से जैसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का देखिए 2 से मैं जैसे सॉल्व करूँगा तो हमारा जाएगा 40.5/10, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 4.05 सेकंड। तो दोस्तों इस प्रकार रेलगाड़ी को खंबे को पार करने में लगा समय जो है ये 4.05 सेकंड का समय लगेगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आप लोग के इस एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो इसके अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है रहा आप लोग के सामने। अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी होगी, ठीक है, या पूछी जाएगी, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाल बराबर होता है यहाँ पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन में समय। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आप लोग का तुरंत लगाएगा। अब देखिए चाल कैसे निकालेंगे, ट्रेन की चाल जो है वो आपकी आ जाएगी, देखिए दूरी दे रखी ट्रेन की लंबाई है और ये समय लग रहा है, तो ट्रेन की चाल आ जाएगी यहाँ से 250 अपॉन में आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं ट्रेन की लंबाई जो है वो है आप लोग की 250 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं निकालनी तो अपॉन पी हो जाएगा प्लस का पी, और समय लग रहा है दोस्तों इसको 8 सेकंड का, और आगे लगता है इसको प्लेटफॉर्म साथ में 20 सेकंड का समय लग रहा है। अब इसमें आपको पी का मान निकालना है, तो देखिए पी का मान निकालने के लिए क्या करना, सिंपल सा कैलकुलेशन तो बची है आपकी, 4 2 8 या जाएगा 5 20, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 25 5 125 यानी कि 1250 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका आ गया 1250 बराबर में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500 प्लस 500 प्लस 2p, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 500 प्लस 2p। आप 1250 में से आप लोग 500 माइनस करने वाले हैं तो आप लोग का यहाँ पर बचेगा 500 माइनस, ऐसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 5 7 750 बराबर आपका 2p आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आ गया 2p बराबर 750, तो पी का मान यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी आ जाएगी 375 मीटर। इस प्रकार प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 375 मीटर। तो यदि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर ट्रेन की लंबाई निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो इसके लिए आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, वी बराबर टी प्लस पी अपॉन में स्मॉल टी। यहाँ पर टी जो है ये आप लोग की ट्रेन की लंबाई होगा, पी आप लोग का प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, और डायरेक्ट आप लोग इस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया कि एक्स तथा वाई की चालों का अनुपात दे रखा है 5:7, तो एक्स और वाई की यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:7। दैट आप इसके बाद क्या दे रखा है, वाई जो है 420 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में पूरे करते हैं, तो दोस्तों एक्स की चाल कितनी होगी ये आप सभी को बताना है। अब यहाँ पर यहाँ से आप लोग वाई की चाल निकाल सकते हैं, देखिए दोनों का रेशियो पता है, एक का रेशियो है 5x, दूसरे का रेशियो है 7x, आप 7x से निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए वाई की चाल दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है 420 और टाइम दे रखा है आपको 3 घंटे का, तो चाल निकाल लेंगे यहां से दोस्तों। देखिए क्या आ जाएगा, वाई का दोस्तों चाल का रेशियो दे रखा है 7x लिख लिया, समय लग रहा है इसको दोस्तों यहां से 420 किलोमीटर, ये तो दोस्तों डिस्टेंस होगी, समय लग रहा है 3 घंटे का। अब यहां से दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए, 7 6 42 60 आ गया, 3 2 6 20, तो दोस्तों हमारा एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान हमारा 20 आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्स की चाल ज्ञात करना है, तो दोस्तों 20 5 100, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स की चाल कितनी होगी, 5x होगी, एक्स का मान हमने निकाल लिया हमारा 20 आ गया है, तो 5 के मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग का आंसर 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने वाई की मदद से एक्स का मान ज्ञात किया, और एक्स का मान ज्ञात करने के बाद उसको रेशियो में पुट किया, और रेशियो में पुट करने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कार बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है, एक कार बी है वो कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है, यदि कार ए जो है वो 2 घंटे में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी आपको बताना है। अब आपको ये पता है कि बी जो है वो ए से दोगुना स्पीड से चलती है, और ए की चाल आपको निकाल लेंगे, तो देखिए ए की चाल क्या आ जाएगा 90/2, ठीक है ना, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 90/2 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, तो दोस्तों ए की चाल कितनी आ गई है ये आपकी 45 किलोमीटर पर आवर आ गई है, तो दोस्तों बी की चाल कितनी हो जाएगी जस्ट डबल, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इससे दोगुनी रफ्तार है, तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग इसका राइट आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके लिए तो आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, सेम दोस्तों उसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपके एग्जाम में, कार बी कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है, अब बी जो है वो ए से दोगुनी स्पीड से दौड़ रही है, अब कार ए जो है वो 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो बी की गति ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कार ए की चाल निकाल लेंगे, उसके बाद आपको पता है बी जो है वो ए से दोगुना है, तो देखिए ए की चाल कितनी आ जाएगी, 90/3/2, ठीक है दोस्तों 3/2 आएगा, और बस सिंपल सी कैलकुलेशन बचेगी, 90/3/2 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 3 90, 3 2 6,
तो दोस्तों एक ही जो चाल आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी जो कार ए है इसकी जो स्पीड है ये 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में उसको व्यक्ति की चाल दे रखी है 21 और धारा की चाल दे रखी है 4। तो दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है दोस्तों एक आपको बता दे, अगर आपको धारा की चाल दे रखी है तब फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, बाई बराबर होता है डी माइनस यू अपॉन में टू। देखिए अगर धारा की चाल दे रखी होगी तो लिखेंगे y बराबर डी माइनस यू अपॉन टू, और यदि आपको नाव की चाल दे रखी होती या फिर व्यक्ति की चाल दे रखी होती तो फॉर्मूला लिखते हैं x बराबर डी प्लस यू अपॉन टू। अब ये d क्या है, d जो है दोस्तों धारा की दिशा वाली चाल है, धारा की दिशा में चली गई चाल जो है वो आपकी d है, और धारा की विपरीत दिशा में दी गई चाल वो आपकी u से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन में टू। अब आपको यहाँ पर दिया गया धारा की चाल जो कि 4 है, तो y का मान हो गया हमारा 4 यहाँ से। तो y की वैल्यू दोस्तों हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 4 लिखेंगे बराबर। अब d दोस्तों यानी कि धारा की दिशा में उस आदमी की न्यूनतम गति कितनी है, 21 है, लिख रहे 21 माइनस का u, आपको यही बताना है कि विपरीत दिशा में क्या चाल होगी, तो u अपॉन में 2। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, तो 21 माइनस u बराबर 8, और इसके बाद आपका u जो इधर आ जाएगा 8 आपके इधर चला जाएगा, तो 21 में से 8 हटाएंगे तो u का मान आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल आपका ऑप्शन डी वाला जो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको दिया गया है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे, तो दोस्तों 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 72 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो दोस्तों एक सेकंड में वो 20 मीटर चलती है, 15 सेकंड में कितना चलेगी, 15 × 30 यानी कि 300 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 15 सेकंड में उस ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 300 मीटर की। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है आपको, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। कार ए है जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, और यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। दोस्तों यह जो है 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। कार बी भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो दोस्तों कार बी की स्पीड कितनी होगी ये आप सभी को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो कार ए की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, जो 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। सबसे पहले दोस्तों यहां से हम लोग यह निकाल लेंगे कि उसने 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्या करना है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल आपको दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको दे रखा है 6 घंटे का, तो इस प्रकार हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 6 × 48 यानी कि 480 किलोमीटर। दोस्तों कार ए ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 480 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए क्या है इसके बाद, कार बी भी उसी टाइम ए से 60 किलोमीटर कम। अब देखिए दोस्तों ए ने कितनी चली है, 480 चली है, तो बी कितना चलेगा, इससे 60 कम यानी कि 420 किलोमीटर। तो दोस्तों ए द्वारा तय की गई दूरी जो है वो आपकी 480 है, और कार बी ने फिर कितना चला है, उससे 60 कम यानी कि 420 किलोमीटर तय की है। अब आपको बताना कि बी की स्पीड कितनी होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। देखिए डिस्टेंस है 420, समय वही लग रहा है दोस्तों आपका 6 घंटे का, क्योंकि बता रहा है कि उसी समय में, तो दोस्तों डायरेक्ट निकाल लेंगे आपका 6 × 7 = 42 यानी कि कार बी की जो स्पीड आएगी आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार कार बी की जो चाल आ जाएगी आ जाएगी आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया इतनी बात। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कार बी की जो स्पीड है ये कार ए की गति से आधी है। यदि कार ए आपके 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो कार बी की स्पीड कितनी होगी ये आप सभी को ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर दिया गया कि कार बी की जो गति है कार ए की गति से आधी है, कार बी की गति ए से आधी है। अब ए की निकालेंगे जो भी हमारी स्पीड आएगी उसका हम लोग जस्ट हाफ करेंगे तो हमारी कार बी की स्पीड आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर
ए द्वारा चली गई दूरी जो है वो 120 किलोमीटर की है, समय लगता है 1.5 घंटे का, यानी कि 3/2। तो 120 को 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों कार ए की जो स्पीड आ जाएगी हमारी 80 आ जाएगी, तो बी की जस्ट आधी कितनी होगी, 80 का आधा 40। तो दोस्तों इस प्रकार बी की जो गति होगी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और अब दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएगा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्पेशली, देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किस किस का आंसर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया कि एक आदमी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में वृद्धि की हो। दोस्तों यदि वह व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अपनी बढ़ाता है तो दोस्तों उतने ही समय में वह 80 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी यह आप सभी को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या फिर 48 किलोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर ये आप सभी को बताना है। फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज की आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट सीरीज चाहिए, इसका पार्ट सेकंड चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल अभी की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।